नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा जनपद इंटर कॉलेज के मैदान में, प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने पर हरप चौराहे पर संपन्न हुई। मुख्य अतिथि प्रियंका वाड्रा ने सात संकल्प लिया। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ 25,000 में, गेहूं धान और 400 प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य किसानों को गिराने के साथ साथ करने की घोषणा की। इसके पश्चात कोरोना काल से पीड़ित परिवार को 25,000 की आर्थिक सहायता के साथ साथ 20 लाख सरकारी रोजगार देने का संकल्प लिया, जिसका ऐलान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के हरप चौराहे के चार प्रतिज्ञा यात्रा की यात्रा शुरुआत की गई। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की एक खास रिपोर्ट। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कीजिए, प्रियंका जिंदाबाद कीजिए, नारी शक्ति जिंदाबाद कीजिए, प्रियंका जी जिंदाबाद कीजिए। हाँ जी भाई जी, पूछो क्या बोलो, क्या मैम हेलो पूछिए, पूछो ना। प्रियंका जी, बाराबंकी कैसे आना हुआ? प्रियंका जी का बाराबंकी इसलिए आना हुआ क्योंकि वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है, इसलिए उनका आना। पूनम पांडे का बाराबंकी आगमन कैसे हुआ? प्रियंका जी इतनी अच्छी शुरुआत कर रही हैं और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे उन्होंने वादे करे हैं। और पुराने जब हमने रिकॉर्ड देखे, इतना कर्जा भी माफ किया किसानों का, जैसे आज भी उन्होंने ये वादा किया, तो हमें उन्हें भरोसा है, विश्वास है। तो एक लड़ाकू महिला के साथ में खड़ा होना चाहिए ना, चाहे कहीं भी हो, देश में ही तो है, कौन विदेश में जो नहीं जा पाएंगे। क्या लगता है कांग्रेस सीट निकाल पाएगी उत्तर प्रदेश में? सीट निकाल रहे, जब तो इन्हें पता, जब तो इतना प्रशासन आगा कर रखा, जब तो इतनी इनके सिस्टम में पूरा बवाल मच जाना है, देखते नहीं आप? जहाँ जहाँ पे महिला जा रही है, जहाँ जहाँ महिला आवाज बुलंद कर रही है, जहाँ जहाँ प्रियंका जी आवाज बुलंद कर रही है, इतने काहे को घबरा जाएंगे? प्रियंका गांधी आज जनसभा संबोधित करने वाली थी, क्या हुआ कि ऐसे यहाँ जनसभा नहीं संबोधित? अभी इस बात का मुझे पता नहीं है कि मैं बिल्कुल अभी पहुंची हूँ, अभी 10 मिनट ही मुझे हुए हैं कि इस विषय में ये बात हुई है, वो भी मुझे इसकी जानकारी। प्रतिज्ञा यात्रा कहाँ तक सफल होगी? है पूरे देश में होगी 2024 तक, आप देख लेना, बात सिर्फ प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की बात। इतनी कारगर साबित होगी प्रतिज्ञा यात्रा? इतनी कारगर साबित होगी कि आप उनके थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर चेक करेंगे ना, तो पता लग जाएगा कितनी हालत खराब है। प्रियंका जी की जनपद निकाल के खेल के मैदान में जनसभा होनी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, रोड पर चौराहे पर जनसभा करनी पड़ी। इसके बारे में क्या कहना, शासन प्रशासन क्या ऐसा किया है? देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाह सरकार है जी, और जनता का मूड बिल्कुल जो है सरकार के खिलाफ है। और प्रियंका जी निरंतर जो किसानों की बात करती हैं और तमाम जो घटनाएं हुई वो मौके पर पहुंच गई हैं, उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। वो मतलब जो है समझ लीजिए, अभी पिछले बार लखीमपुर वाली घटना में दो तीन दिन जो है ये प्रशासन ने उनको रोक रखा, फिर भी वो घटना पर गई और पीड़ित परिवार से मिली। यही देखो अभी जो है आगरा वाली घटना पर हुआ है, लेकिन ये पहला कार्यक्रम था जिन्होंने प्रतिज्ञा जो है ली है किसानों के लिए। आज जो तीन जो है चार पाँच जो है उन्होंने जो प्रतिज्ञाएँ की है कि कभी कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ किया था, फिर दोबारा घोषणा किया कि मेरी सरकार बनी तो किसानों को सारा कर्जा माफ़ होगा, बिजली बिल हाफ होगा। तो ये जितने किसानों के वादे हुए हैं, देख रहे हो कि सरकार अनुमति दे या न दे, लेकिन जनता एक तरह से जनसैलाब उमड़ा है बाराबंकी में, जो शुरुआत है वैसे जो है हर ज़िले में। प्रियंका जी का जो है इतनी लोकप्रियता बढ़ी है कि अखिलेश यादव और मायावती जी का कहीं नामो निशान नहीं है, विपक्षी भूमिका में वो है ही नहीं है, वो स्वयं सरकार से डरे हुए हैं। लेकिन हमारी नेता जो प्रियंका जी हैं, वो किसी के दबाव में कोई फैसला लेने वाली नहीं है, ना जो किसी से डरती है, ना उनका कार्यकर्ता डरता है। और किसानों के लिए हम लोग लड़ते लड़ते अगर हमको जान भी गंवानी पड़ी तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कांग्रेस के जो है कार्यकर्ताओं में एक उबाल है, जो किसान का अन्याय हम लोग सहन नहीं करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? क्या संत प्रकाश वर्मा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग का, बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ, यही जो है मेरा परिचय। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कुछ प्रतिज्ञाएं बताने के